तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। डिक्लेरेशन सिर्फ डेटा टाइप और नाम डिफाइन करना, असाइनमेंट मीन उसको वैल्यू पास करना, और अगर दोनों काम इकट्ठे एक स्टेप पे करते हैं तो इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब इनिशियल करते हुए आप उसको वैल्यू पास कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जी एलोकेटिंग मेमोरी। सो याद रखिएगा, अ मेमोरी लोकेशन हुज कैन कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर कीवर्ड लगा देंगे ना, कांस्ट कांस्ट का कीवर्ड आपने यूज कर लिया, इसका मतलब है कांस्टेंट हो गया, फिक्स है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू जो भी आपने दे दी है वो फिक्स रहेगी। और याद रखिएगा, जो कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा इनिशियलाइज्ड होते हैं, रिक्वायर्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ द नेम्ड कांस्टेंट। याद रखिएगा, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं होता, चूंकि वो चेंजेबल होते हैं, आप वैल्यू देंगे वो दोबारा चेंज हो जाएंगे, लेकिन कॉन्स्टेंट हमेशा इनिशियलाइज्ड होते हैं। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आपको उसको वैल्यू पास करना पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे ना, तो होगा क्या कि कल को आप उसको वैल्यू पास करेंगे तो वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, कल को चेंज करने की कोशिश करेंगे वो एरर देगा। तो एरर से बचने के लिए आप उसको इनिशियलाइज लाजमी करवाएंगे। पुटिंग डेटा इनटू वेरिएबल्स, आप वेरिएबल में डेटा कैसे पुट करते हैं? देखिए, एट इनिशियलाइजेशन टाइम असाइनमेंट स्टेटमेंट जो होती है ना, वो कैसे होती है? देखिए, इनिशियलाइजेशन की हमने बात कर ली है। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है कि आप अगर किसी वेरिएबल को वैल्यू पास करेंगे ना, अब दो तरह की चीजें हैं, एक होता है एल वैल्यू, एक होती है आर वैल्यू। अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखें, और लेफ्ट हैंड जो होता है वो एल वैल्यू है, जो राइट हैंड होगा वो आर वैल्यू है। तो रूल ये है, याद रखिएगा कि आप राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट को पास कर सकते हैं, यानी कि आर वैल्यू एल वैल्यू को पास हो सकती है, बट एल वैल्यू कैन नॉट बी पास टू आर वैल्यू। वेरिएबल को आप एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन को वेरिएबल पास नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर एक्स इक्वल टू 1.2 1.234 है, तो यहाँ पे आप 1.234 को एक्स पास नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखूं कि 1.234 इज इक्वल टू एक्स, तो ये इलीगल हो जाएगा। इलीगल से मुराद है कि सी प्लस प्लस आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता, यहाँ पे एरर होगा और आप इसको आगे प्रोसीड नहीं करवा पाएंगे। इसी तरह आपने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू स्केयर, एस क्यू आर, ये फंक्शन होगा कोई आपका जिसके अंदर आप बेस वैल्यू दे रहे हैं और हाइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो आप इसके इक्वलेंट इसको नहीं लेके आ सकते। तो प्रोग्रामिंग में आपको एक एक चीज लकीर के फकीर बनना पड़ता है, जिस तरह वो आपको गाइड कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, आपने उसके मुताबिक वर्कआउट करना है। तो जब भी आप इनपुट रीड करेंगे आप उसके लिए सीन यूज करेंगे। अब ये सीन स्टेटमेंट के ऊपर हम डिटेल बात करेंगे अभी। ओके, उसके बाद है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर आपने किसी वेरिएबल में एक वैल्यू का इजाफा करना है, एक वैल्यू, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की जो भी वैल्यू है उसमें एक प्लस कर दो। आप इस स्टेटमेंट की जगह पे ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं प्लस प्लस एक्स, या एक्स प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये है। सो दोनों सेम है, फर्क दोनों में क्या है, इसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फर्क है कि ये पहले वैल्यू प्लस करेगा फिर असाइन करेगा, और यहाँ पे पहले असाइन करेगा फिर प्लस करेगा। चेंज द वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट, चेंज द वैल्यू बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। हम इनका प्रैक्टिकली टेस्ट भी करेंगे जिस वक्त हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, अभी सिर्फ रूल बता रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे एक रिजल्ट है छोटा सा, वैल्यू सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस। जब आप सेंड करेंगे आउटपुट के तौर पे, तो आप इसे सी आउट यूज करेंगे जो कि आउटपुट कमांड है। ये जो है इसे इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, और डबल कोट्स में ये आपका मैसेज है, इसे मैसेज कहते हैं, और ये सम एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये ई एन डी एल न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैनिपुलेटर होते हैं जो कि स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। तो अभी हम जब इनकी बात करेंगे तो हम डिटेल से इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। सो यहाँ पे बैक स्लैश टी भी यूज होता है, इसे एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। अब एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? प्रिंटिंग बिहेवियर्स। अगर आप स्क्रीन के ऊपर कुछ बिहेवियर सेट करना चाहते हैं कि यार ये चीज सेंटर में प्रिंट हो, ये लेफ्ट पे प्रिंट हो, या राइट पे प्रिंट हो, तो प्रिंटिंग बिहेवियर्स को सेट करने के लिए भी आप जो है वो इस तरह के एस्केप सीक्वेंसेस यूज करते हैं। लिस्ट है पूरी, बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, बैक स्लैश टी टैब के लिए, बैक स्लैश बी बैक स्पेस के लिए, बैक स्लैश आर आर जो होता है ये नॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करता लेकिन ये करंट लाइन के बिगिनिंग पे ले आता है आपको। बैक स्लैश इज प्रिंटेड,
सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और इस तरह मल्टीपल और भी होते हैं करेक्टर स्पेसिफाइड होते हैं जो हम एज पर रिक्वायरमेंट यूज करते हैं। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज क्या होती हैं, ये आपके कुछ फोल्डर हैं, डायरेक्टरीज कहते हैं फोल्डर को। तो प्री प्रोसेसर से मुराद क्या है, जो पहले से डिफाइंड है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि फंक्शन दो तरह के होते हैं। देखिए प्रोग्राम के अंदर दो तरह की चीजें हैं, एक वो जो आप खुद डिफाइन कर रहे हैं और एक वो जो आप डिफाइंड चीजों को यूज कर रहे हैं। अगर आप डिफाइन पहले से की हुई डिफाइन चीजों को यूज कर रहे हैं तो उन्हें कहते हैं प्री प्रोसेसर थिंग्स, पहले से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहले से बनी हुई चीजों को जो यूज करने का प्रोसेस होता है उसे प्री प्रोसेसर थिंग्स कहते हैं, और जो आप खुद डिफाइन करते हैं उसे यूजर डिफाइन कहते हैं। तो प्री प्रोसेसर से मुराद क्या, देखें दैट इज नॉट पॉसिबल कि हर चीज प्रोग्राम में खुद लिखे, बेवकूफी कहते हैं इसे। कुछ चीजें आप पहले से डिफाइंड होती हैं, लैंग्वेज का पार्ट होती है, आप जस्ट उनको यूज करते हैं, आप उनको जस्ट यूज करते हैं। तो यूज करने का तरीकाकार क्या है, हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अब प्रोग्राम में शामिल कैसे करते हैं, हैश का साइन लगाते हैं, उसके बाद इंक्लूड का कीवर्ड लगाते हैं, और इंक्लूड का कीवर्ड लगाने के बाद आपको हेडर फाइल का जो भी नाम आपने रखना है, कौन सी फाइल आपने यूज करनी है। तो होता क्या है कि कुछ फंक्शनैलिटीज हैं इकट्ठी करके एक फाइल का नाम बना दिया गया, कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जिनको एक फाइल का नाम दे दिया। जैसे मिसाल के तौर पर आईओ स्ट्रीम है, आईओ स्ट्रीम की फुल फॉर्म होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जितने भी फंक्शन इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है ना, वो सारे पहले से आईओ स्ट्रीम के अंदर मौजूद है। तो अगर हमने इनपुट लेनी है यूजर से, तो बजाय इसके हम खुद फंक्शन डिफाइन करेंगे इनपुट कैसे लेनी है, हम उसकी आईओ स्ट्रीम की फाइल को इंक्लूड करेंगे और वहां से उसके फंक्शन को यूज कर लेंगे। इस तरह हमने यूजर को भी आउटपुट देनी है, तो हम पूरा का पूरा मैथड आउटपुट डिफाइन करने के लिए खुद नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को यूज करेंगे, पहले से बनी हुई लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे और उस लाइब्रेरी के फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, वो लाइब्रेरी जब तक आप प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे, आप फंक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं जब प्रोग्राम स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट फोकस करें। कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ कि प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, इन चीजों पर फोकस करें। कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, प्रोग्रामिंग करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। So, आप कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं पहले से बना हुआ, तो आपको उसकी लाइब्रेरी देखनी पड़ती है। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि जनाब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फंक्शन किस लाइब्रेरी में है। डेफिनेटली आपको शुरू में सब कुछ एक साथ पता नहीं लगेगा, आप जब काम शुरू करेंगे कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ चीजें आप अपनी डिमांड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक फाइंड आउट करेंगे, इंटरनेट से सर्च करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, किताबों से देखेंगे यार ये वाला काम करने के लिए ये वाला फंक्शन रिक्वायर्ड होता है और ये वाले फंक्शन के लिए ये लाइब्रेरी हमें चाहिए होगी। तो ये चीजें आपकी लर्निंग का पार्ट है। याद रखिएगा, सारा कुछ इकट्ठे एक ही साथ सीखने को नहीं मिल जाता, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स दोनों के बारे में बड़े फेमस पेपर है, जितनी बार आप इसको करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छे, जितनी बार इसमें मिस्टेक्स आएंगे उतनी ही अच्छी लर्निंग आपकी होती है। एकदम से सब कुछ नहीं आप सीखते, टाइम लगता है चीज के लिए, तो आपको उसके ऊपर एफर्ट करनी पड़ती है, होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आपको आइडिया होते रहेगा और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको असाइनमेंट में दी जाएंगी और आपने ढूंढ के यूज करनी होगी। तो याद रखिएगा, मैथमेटिक्स का फंक्शन यूज करने हैं आपने, साइन कोस टैन वगैरह निकालने, ये चीजें खुद कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है, किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकालना है ये खुद कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, उसके मैथ की लाइब्रेरी यूज करते हैं और उसके फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और अपना रिजल्ट ड्रा कर लेते हैं। तो लाइब्रेरीज यहाँ पे प्री प्रोसेसर का मतलब लाइब्रेरीज है। आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज का जो प्रोसीजर होता है, आपके एक एल्गोरिथम का जो तरीकाकार होता है या आपके जो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो किस तरह से काम करती है, इस चीज को समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। मैं यहाँ पे स्क्रीन आपके लिए जूम की है मैंने, आप नोट करें कि सी प्रोग्राम, सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कैसे काम करता है। हमेशा सबसे पहले आपके पास होता है एडिटर।